बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ करंट आई इज सिचुएटेड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ लूप एंड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप इफ द स्टेडी करंट आई इज स्टेब्लिश्ड इन द वायर एज शोन इन द फिगर द लूप विल. तो की कंसेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा. फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड सबसे पहले जो हमारा फोर्स होता है ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई आर. तो यानी कि जो हमारा फोर्स होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. यानी कि जो भी डिस्टेंस होगी बिटवीन टू वायर्स या फिर अ पॉइंट इन बिटवीन अ वायर वो क्या आर है. तो मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ये स्क्वायर लूप है ऐसे, इसमें करंट ऐसे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एंड ऐसे. यहाँ पे हमारा ये करंट तो जा रहा है आई ऊपर, ठीक है. अब लेट सपोज कि ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है, ठीक है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं टू ए है. तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा बी सी और ए डी की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों की डिस्टेंस है जो आई से वो भी इक्वल है दैट इज ए. तो यानी कि जो इनका फोर्स होगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो यानी कि फोर्स ड्यू टू बी सी एंड ए डी विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है. तो एफ बी सी मतलब इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए डी, यानी कि एफ बी सी प्लस फोर्स ड्यू टू ए डी इज इक्वल टू जीरो. अब फोर्स बचा ए बी की वजह से और सी डी की वजह से. अब ए ए बी जो ए बी वायर है या फिर जो ए हाँ जो ए बी लूप है, तो यहाँ पे इस पूरे लूप का जो ए बी वाला सेगमेंट है वो ज्यादा क्लोज है इस आई वायर से, इस आई करंट कैरिंग वायर से, और सी डी है वो दूर है. तो यानी कि क्योंकि ए बी के लिए हमारा जो आर है वो कम है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा ज्यादा, एंड सी डी में जो फोर्स होगा दैट विल बी लेस देन ए बी. तो हम ये लिख सकते हैं एस जो डिस्टेंस है ए बी का वो कम है सी डी से, यानी कि जो डिस्टेंस है ए बी का वो कम है हमारा सी डी से. तो यानी कि जो हमारा फोर्स होगा वो ए बी का ज्यादा होगा सी डी से, ठीक है. अब एक और चीज इसमें होती है कि अगर हमारा जो वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर इफ करंट्स इन द वायर
आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन एंड दे रिपेल ईच अदर इफ द करंट्स आर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन होगी करंट की तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट होगी तो रिपेल करेंगे. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी की जो डायरेक्शन है वो आई से सिमिलर है, सेम डायरेक्शन है, तो यानी कि ए बी इसको अट्रैक्ट करेगा और सी डी इसको रिपेल करेगा. और जो फोर्स ड्यू टू ए बी है यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है ए बी का वो बहुत ज्यादा है, यानी वो ज्यादा है सी डी से क्योंकि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम आई कम है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ए बी विल बी मोर देन रिपल्शन फोर्स ड्यू टू सी डी. तो ओवरऑल हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमारा जो आई है जो कि वायर में स्टेब्लिश होगा तो लूप क्या करेगी. तो लूप मूव टूवर्ड्स द वायर क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है ए बी का देन सी डी. तो जो लूप है वो अट्रैक्ट होगी आई वाले करंट वायर से तो इट विल मूव टुवर्ड द वायर. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.